तो ये है डेली लाइफ सेंटेंस का पार्ट 24 का। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा क्योंकि इस तरह के सेंटेंस लर्नर्स बहुत कम बनाए होते हैं विदाउट मच प्रैक्टिस के इंग्लिश में। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है, वे गांव में रहे थे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है वो गांव में रह रहा था, ऐसा है कि वे गांव में रहे थे। तो दे हैड बीन इन द विलेज, हो गया बस इतना ही। रहना का इंग्लिश नहीं होगा, बीन में ही सब कवर हो गया। क्या वह गरीब रहा था? तो हैड ही बीन पुअर। नेक्स्ट है, तुम कल कहाँ रहे थे? तो कहाँ की वेयर आ जाएंगे, तो वेयर हैड यू बीन यस्टरडे। नेक्स्ट है, ये बच्चे सुबह से क्या कर रहे थे? तो क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट, और इसमें हैड आ जाएंगे, हैड दी चिल्ड्रन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। हम लोग उसे 3 घंटे से क्यों पढ़ा रहे थे? Why had we been teaching him for 3 hours? चलिए कुछ और 5 sentences देखते हैं आगे। अगला जो सेंटेंस है इसमें वो है, वह गीत गाता रहा था। ऐसा नहीं है वो गीत गा रहा था, वो गीत गाता रहा था। तो इसके हो जाएंगे, He had been singing। इसके हो जाएंगे नेक्स्ट, वे सब बोलते रहे थे। तो They had been speaking। नेक्स्ट है, वह कौन सा काम करता रहा था? तो कौन सा काम का पहले लिख देंगे, विच वर्क। अगर काम डेफिनेट हो तब पता है कौन सा काम, अगर नहीं तो व्हाट वर्क। ठीक है, अगर इनडेफिनिट हो, मालूम ना हो, तो व्हाट वर्क या विच वर्क। विच वर्क तब जब बहुत सारे काम में से एक को सिलेक्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो व्हाट वर्क या विच वर्क हैड ही बीन डूइंग। उसके बाद नेक्स्ट है, उसे जनवरी से कौन पढ़ा रहा था? तो यहां पे लगा देंगे हु हैड बीन टीचिंग हिम। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी 3 दिनों से कहां ठहर रहे थे? तो कहां की पहले बनाएंगे, तो वेयर हैड आर फादर बीन स्टेइंग फॉर, यहां पे हो जाएंगे 3 days। तो इसके साथ ये 10 sentences कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ आप एक बार इस वीडियो को भी मैंने अपलोड कर रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी कुछ सेंटेंस हम स्क्रीन पे आपको दे देते हैं, वो आप जो है नोटबुक या कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, बाकी जो है, थैंक यू सो मच, बाय देन, टेक केयर योर सेल्फ, हैव ए नाइस डे।